वेलकम है कैलाश टीवी इंडिया में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से होगी झमाझम बरसात। मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया अलर्ट। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आज से झमाझम बरसात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से झमाझम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण से लखनऊ में बरसात होगी, पर यह बारिश प्री मानसून गतिविधियों से होगी। इससे पूर्वी यूपी के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए राहत मिलेगी और उमस से भी छुटकारा प्राप्त होगा। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल मानसून की गति बहुत कमजोर है, जिसके कारण लखनऊ समेत कई जिलों में अभी तक मानसून प्रवेश नहीं किया है। आपको बता दें कि हालांकि आज बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और बारिश भी होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाली खाड़ी में जो निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वो अगले आपको बताने कुछ घंटों में बरसात का संकेत दे रहा है। इससे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बरसात होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में लंबे वक्त से चल रही उमस भरी गर्मी के प्रकोप से लोगों को अब राहत मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है कि इन सभी क्षेत्रों में आज के बाद से भारी बारिश होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन दिनों प्री मानसून के कारण उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली समेत कई राज्यों में आपको बता दें राज्यों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि कल तक मानसून के दस्तक के बाद इन सभी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी स्तर की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि इस बार मानसून सामान्य वक्त से करीब एक हफ्ते देर चल रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के कुछ जनपदों में बीते दिनों आपको बता दें हल्की बारिश देखने को मिली। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोगों को आपको बता दें आज के बाद से राहत मिलेगी। आज यूपी के ज्यादातर शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की से भारी बारिश कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं कि आज किन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। अगले 72 घंटे तक केरल, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, आंतरिक कर्नाटक तथा मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम से भारी स्तर की बारिश होगी। इन सबके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तथा बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। वहीं आज और कल दक्षिण पश्चिम हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल तथा बंगाली खाड़ी से उत्तर पूर्व से सटे कई अन्य राज्यों में भी आपको बता दें भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।